मेष राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके सितारों में दिखाई दे रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। देवी को अगर लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। देवी को अगर आप सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। देवी को हरे फल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण इस समय बनाए रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे, निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। देवी के मंत्र का अगर आप जप करें ओम दुं दुर्गाय नमः तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। देवी को अगर लाल फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पिता की तरफ से आपको लाभ होगा। देवी को अगर हरी इलायची अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। देवी को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें,
दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखेंगे। देवी के मंत्र का अगर जप करें ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। देवी को मिठाई अर्पित करके प्रार्थना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। देवी को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके सामने बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। करियर में दबाव आपके बढ़ेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देवी के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा कुछ ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।